नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ हानि। भैया हर कोई अपनी जिंदगी में सोचता है मुझे क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रही है। ज्यादातर तो सभी कहते हैं मुझे तो लाभ ही लाभ चाहिए, तो उसी को लाभ निकालना सिखा देते हैं, लाभ कैसे निकालना होता है और हानि से कैसे बचना होता है, तो सब चीजें आपको इस टॉपिक में हम सिखाएंगे, ठीक है। और इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है, अगर मैथ की टर्म्स में बात करें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब ये होते क्या, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। पहले देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, ठीक है, वो प्राइस जिसके ऊपर कोई वस्तु खरीदी गई है, जो वस्तु को खरीदने में हम पैसे लगाते हैं वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। की हमारी इतनी कॉस्ट लगी है यानी कि क्रय मूल्य। हिंदी के लिए मैं बताता हूं क्रय मूल्य कहते हैं इसे। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, ठीक है, यह प्राइस रहेगा लिखना, वह कीमत जिसके ऊपर कोई एक आर्टिकल हमने बेचा हो वो हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य। अब हमारे पास विक्रय मूल्य भी है, क्रय मूल्य से हमारे को इसमें या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर गेन, क्या गेन हुआ आपको। ये क्वेश्चन में आपसे इंग्लिश मीडियम में गेन भी आ सकता है और हिंदी में इसका आएगा लाभ, ठीक है ना। अब लाभ क्या होता है, अगर तो विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ये हमारा होता है प्रॉफिट यानी कि इसमें हमें लाभ मिलता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। और जो लॉस होता है हानि हमारी होती है जिसमें कॉस्ट प्राइस तो हमारा ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस हमारा कम होता है यानी कि क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक तो आप सभी जानते हैं कि लाभ हमें कैसे होगा जब हम कोई 5 रुपए की चीज खरीद के 7 रुपए में बेच देंगे, और हानि कब होगी जब 5 रुपए खरीद के मौसम चला जाए वो चीज हमें सस्ती में बेचनी पड़ती है 4 रुपए के हिसाब से बेच दें तो 1 रुपए की हमें पर आर्टिकल नुकसान होता रहता है, वो हानि होती है। अब इसके परसेंटेज निकालने के फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं लाभ हानि की, हमें अगर परसेंटेज निकालनी होगी कितने परसेंट हमें इसके ऊपर मुनाफा हुआ है, इतने परसेंट हमें हानि हुई। अगर तो हमें निकालना हो लाभ परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज पूछे हो आपसे, ध्यान रहे इसे गेन से भी पूछ लेता हूं क्वेश्चन में, गेन परसेंट क्या है। तो ये आपका होगा, एक तो हमारे पास जो लाभ आया कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस में कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू में 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो हमारे को लाभ मिलेगा वो हमारे कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा क्रय मूल्य पे मिलेगा। ये मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया ताकि बच्चों को समझ आए, लेकिन आप एग्जाम इसका फॉर्मूला जो याद रखेंगे वो ये होगा, क्वेश्चन में आपको लाभ गिवन होगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस जितने की हमने वस्तु खरीदी है यानी कि क्रय मूल्य इनटू में 100। ऐसे जब हमें लॉस परसेंटेज निकालनी हो या हानि प्रतिशत, उसका होगा हमारा हानि यानी कि लॉस बटा में अपॉन में इसके क्या आएगा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये तो आ जाएंगे आपके पास हानि परसेंटेज यानी कि लॉस परसेंटेज निकालने का
ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें आपको ये लाभ दे देगा, यानी कि नंबर एक डिजिट दे देगा कि आपके पास प्रॉफिट ये है, आपका कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये आपको बताना होगा इसका, ठीक है। परसेंटेज निकालेगा और आपसे परसेंटेज नहीं दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट बताओ कितना हुआ था उसे, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके भी आगे मैं फॉर्मूले बताता हूँ आपको। हाँ जी, आगे जो है फॉर्मूले वो ध्यान से देखो। जब आपको गिवन देगा कि आपसे पूछेगा कि सेलिंग प्राइस निकालो, आपको गिवन होगा उसमें प्रॉफिट गिवन होगा, परसेंटेज में कितना परसेंट मिला है, और आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, तो आपसे पूछेगा कि इसका सेलिंग प्राइस निकालो। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सेलिंग प्राइस निकालने का, डायरेक्टली फॉर्मूला 100 प्लस में प्रॉफिट जो कि परसेंटेज में गिवन होगा अपॉन में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस, यानी कि हिंदी में लिखें 100 जमा में लाभ प्रतिशत अब बटा 100 गुना में क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर यही केस आपके पास लॉस प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज में गिवन हो, तब आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस निकालना, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका होगा आपका 100 माइनस में लॉस जो आपका परसेंटेज में गिवन होगा अपॉन में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 माइनस में हानि प्रतिशत अपॉन बटा में 100 गुना में क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा अलग अलग केस में। अगर तो आपको लाभ प्रतिशत में गिवन हो या प्रॉफिट परसेंटेज में, साथ में उसके कॉस्ट प्राइस गिवन हो और हानि परसेंटेज यानी कि हानि प्रतिशत और ये लॉस होगा आपको परसेंटेज में गिवन और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, तो उस केस में आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके आप यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग गिवन होता है यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के केस में आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ कैसे होगा। ये तो आप कहते सेलिंग प्राइस निकालने के, यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के। अब बात होती है अगर वो कहता है कॉस्ट प्राइस निकालो, आपको ये फाउंड आउट करना है सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, ये गिवन है आपको सेलिंग प्राइस और वो प्रॉफिट और लॉस दोनों परसेंटेज में गिवन होंगे, ठीक है ना, ये भी परसेंटेज में गिवन होगी कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दोनों की। तो आपसे पूछता है कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, वो होगा 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन, यानी कि गेन जो गेन या फिर प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यही केस बात ये आपको बताता हूं हिंदी में क्रय मूल्य निकालने की बात हो रही है, वो होगा 100 बटा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत गुना में विक्रय मूल्य, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, शुरू से हिंदी में मैथ पढ़ते आ रहे हैं ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं अगर बात हो जाए हानि की बात हो, तो उसके लिए यहाँ लाभ की जगह यहाँ ध्यान रखना आपको प्लस कर रहे हो या माइनस के साइन आएंगे दोनों में, और आपको फॉर्मूला याद रखना है सेलिंग प्राइस यानी कि एस से सेलिंग तो सुपर, सुपर मतलब ऊपर रहेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस की, किसमें इन केस ऑफ लॉस परसेंटेज, अगर आपसे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला वही होगा 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोले तो आपका होगा क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य आपके बराबर होगा 100 बटा में 100 माइनस में हानि प्रतिशत गुना में आपका ये विक्रय मूल्य, ये आपका अलग फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास आगे सारे फॉर्मूले आगे, क्रय मूल्य निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ परसेंटेज गिवन है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है या लॉस परसेंटेज गिवन है, हानि परसेंटेज गिवन है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं फॉर्मूलास का यूज करके। अब इनके कुछ क्वेश्चन और एक आधी और ट्रिक देखते हैं अगर बची है तो कुछ। हाँ जी, अब एग्जाम्पल देखते हैं लॉस और प्रॉफिट का परसेंटेज में निकालने का। क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इन टेबल इज परचेज्ड एट 950 रुपीज
एंड सोल्ड एट 1200 रुपीज। अब वो आपसे पूछेगा फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। हमारे पास दो चीजें गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 950 रुपए की उसने खरीदी है। हिंदी में बताता हूं आपको क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक टेबल परचेस की 950 रुपए में और बेच दिया उसे 1200 रुपए में, तो हमें हानि और या फिर लाभ प्रतिशत उसमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 950 और सेलिंग प्राइस उसने बेची कितनी, विक्रय मूल्य हमारे पास 1200 है, तो उसे ऑब्वियस है ज्यादा में बेच रहा तो लाभ हुआ है, यानी कि गेन किया उसने कुछ, गेन यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का लिया, 1200 माइनस में 950 यानी कि 250 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। लेकिन गलती बच्चे कहां करते हैं, अगर प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है तो वो इस सेलिंग प्राइस के साथ निकाल लेते हैं, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो उसे 950 रुपए के ऊपर हुआ है, तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट निकालना है, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का, यानी कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। प्रॉफिट कितना हुआ 250, कॉस्ट प्राइस 950 इंटू में 100। एक जीरो से जीरो नहीं, फाइव से कटता तो काट दो इसे, पांच में पांच और चार, पांच में 45, पांच में 10। अब देखो नौ में कटता है 19 से, नहीं कटेगा ये, तो देख लेते हैं 500 बटा में 19% उसको प्रॉफिट हुआ है। अब यही बात होती है अगर वो कहता कि उसने सस्ते में बेच दी 950 की खरीद के, हम अब इसका एक आपको लॉस परसेंटेज का निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब वो बोलता है कि उसने 950 की खरीद कर उसे उसने 800 में बेच दिया। ठीक है, तो अब उसका फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट इन केस। क्वेश्चन देखते हैं यार, इतने स्मार्ट हो चुके हैं हम क्वेश्चन देखते ही बता देंगे आप 950 की खरीदी है और 800 में बेच दी तो नुकसान क्या, 150 रुपए का। सीधा आप बच्चे हम क्या करेंगे, 150 बटा में 950 गुणा में 100 कर देंगे, जो कर चुके हैं क्वेश्चन कर करा के सोल्व करके आपके पास हानि आ रही। लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा। वही है, इसमें लॉस हुआ है उसे, दिख ही रहा 950 की कोई चीज खरीदता है और 800 बेचता है नुकसान ही हो रहा है, तो कितने का हो रहा है 950 माइनस में 800, 950 माइनस 800 विच गिव्स टू 150 रुपीज। अब उसको हानि जो रही है उसकी कॉस्ट प्राइस पर हो रही है ना, 150 रुपए 950 के ऊपर उसे नुकसान हो रहा है, तो 150 यानी कि फॉर्मूला इसका क्या, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, वो आपको क्या गिव करेगा, लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो 150 अपॉन में 950 इनटू में 100, 1070 ये फॉर पास से हो जाएगा आपको, ये आपका आएगा 300 बटा में 19 परसेंटेज उसको आपकी लॉस परसेंट आ गई। तो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा लॉस और प्रॉफिट का मार्क निकालने का। अब कुछ और टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम से आपसे पुट किए जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर रुपीज 480, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट अर्न द प्रॉफिट। हिंदी में देखते हैं, एक आदमी जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह उसे 20% हानि पर बेचता है जिसकी कीमत 480 रुपए में बेच देता है 20% हानि पर। ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट अर्न द प्रॉफिट, उसे मतलब कितनी कीमत पर बेचनी होगी जो उसका डिसाइडेड प्रॉफिट है, यानी जैसे 20% उसे लाभ हो कि कितनी कीमत पर वो बेचे उसे। सॉल्यूशन जो है देख लेते हैं। अब उसने 20% लॉस पर बेची है, यानी कि 100 माइनस 20% गिव्स आपको 80% देगा ना, 80% पर बेच दी उसने चीज, यानी कि कितने की बेची, 480 रुपए की बेच दी। अब 1% किसके बराबर होगा, 480 डिवाइड बाई 80। अब उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 100% तो सभी को चाहिए, तो उसे 20% उस वस्तु का प्रॉफिट चाहिए, इंटू में 120 कर देंगे तो उसका आ जाएगा 720 रुपए में उसे वस्तु बेचनी होगी कि ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। क्वेश्चन समझ आया कि उसने 20% लॉस पर बेची है, कीमत जो है 480 रुपए की बेची, यानी कि 80% जो कीमत गिवन है उसने 480 रुपए की बेच दी, 1% आपका यहां से आ गया 480 बटा में 80,
अब उसे चाहिए कितनी, 120% कीमत चाहिए वस्तु की, तो इंटू में 120 कर दिया, आंसर आ गया आपका 720 रुपीस। 720 की अगर वो बेचेगा तो उसे 20% प्रॉफिट होगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर रुपीज 1800, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी इज, वो कह रहा है कि 12 किसी एक किताब का एडिशन हो गया, उसकी 12 कॉपियां बेची गई जिससे उसे 1800 रुपए मिले, ठीक है, 1800 मिले, तो उसमें उसको इतना मुनाफा हुआ कि उसे तीन किताबों की लागत जो उसका कॉस्ट प्राइस था एक्चुअल में वो फालतू मिल गया उसे, मतलब कि उसे जो 12 कॉपी उसने जो 1800 की बेची उसे उतने में अपना ही 15 बुक्स आती थी, अपनी उसकी 15 बुक्स 1800 की आती थी, लेकिन उसने जो 12 बुक्स है वो 1800 की बेच दी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, कि उसने 3 कॉपी का प्राइस उससे एक्स्ट्रा मतलब उसे मिल गया जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास 12 कॉपीज से उसने हमें कितने मिले, 1800 रुपए मिले, ठीक है, सोल्व करने पे। लेकिन उसको साथ में उसके क्या प्रॉफिट, उसने क्या कमाया, मैं फिर बता रहा हूं, उसने प्रॉफिट कमाया उसके क्रय मूल्य का पर बुक की 3 किताबों की कीमत मिली। अगर उसकी एक किताब 100 की आती थी तो मतलब उसे 300 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, ये उसका प्रॉफिट था जिससे उसकी 3 बुक्स और आ सकती थी, समझ गए। तो मतलब कि उसके पास कीमत कितनी आ गई, 12 जमा में 3, 1800 के बराबर जो उसका कॉस्ट प्राइस था। अगर क्वेश्चन को देखें तो 15 बुक्स का उसका कॉस्ट प्राइस जो है 1800 रुपए है, तो एक बुक का उसका कितना हो जाएगा, 1800 बटा में 15, काट दो इसे, 15 कितना होता है 3, 15 × 30, तो एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस है वो आती है 120 रुपीस। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा सा था लेकिन था बहुत आसान, 12 किताबें उसने बेची 1800 रुपए में और उसे क्या प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ कि उतने में उसकी 3 बुक्स और आ जाती और उनको बेचकर और मुनाफा कमा लेता हूं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमारे पास 15 बुक्स की उसने कीमत बता दी कि उसकी 1800 रुपए है, तो हमने यहां 15 बुक्स अगर उसकी आती है 1800 की, तो एक बुक उसकी क्या आएगी, 1800 × 15, तो 120 रुपए की उसकी एक पुस्तक आती थी, एक कॉपी जो उसकी थी बुक की 120 रुपीज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कॉमोडिटी फॉर रुपीज 524 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इज, वो कह रहा है किसी वस्तु को अगर हम 524 पर बेचते हैं जो हमें लाभ प्राप्त होता है उतनी ही हानि हमें उसे 452 रुपए बेचने पर होती है, तो हमें उसमें क्रय मूल्य उसका निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको, वो ये कह रहा है कि 524 रुपए बेचने पर जितना वो लाभ कमाता है उतनी ही हानि उसको हो जाती है अगर वो उस वस्तु को 452 रुपए में बेच देता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ए, यानी कि क्रय मूल्य हमने मान लिया ए रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 524 रुपए बेचने पर उसे क्या मिल रहा है, लाभ। अब हमारे पास प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा यहां क्या है 524 और कॉस्ट प्राइस हमने ए माना है, ठीक है। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कॉमोडिटी फॉर 524 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452। अब वो कह रहा है अगर वो 452 की बेच देता है तो उसे उतना नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नुकसान होगा तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस हमारा कम है 452, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस है माइनस है, ठीक है, और इसको हम यहां ले आते हैं, ये माइनस हो जाएगा ना, आपका आ जाएगा 452 माइनस 2a विच गिव्स टू माइनस 976, माइनस माइनस कर दिया, a इज इक्वल टू 976 डिवाइड बाय 2, 208, 2 × 16, 2 × 16, तो इसकी जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस है 488 रुपीज है। अगर तो वो उसे 488 की लेकर 524 में बेचता है तो उसको उतना ही प्रॉफिट होगा जितना अगर वो 452 से बेचता है, तो ठीक है।
तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते रहे वीडियो को और शेयर भी करते रहे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बहुत बार आते हैं संतरे केले दर्जन में बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज ₹32 आफ्टर सेलिंग 18 बनानास एट द रेट ऑफ ₹12 पर डजन। द शॉपकीपर रिड्यूस टू द रेट एज ₹4 पर डजन द परसेंटेज लॉस इज। वो कहता है एक जो दुकानदार है 2 दर्जन केले खरीदता है ₹32 में और 18 केले जो बेच देता है ₹12 दर्जन के हिसाब से, और फिर कुछ टाइम बाद वो दर्जन का जो रेट ₹4 कर देता है और 12 से घटाकर ₹4 दर्जन कर देता है, बाकी के केले उसके हिसाब से बेच देता है जो बचे हुए केले। तो बता पूछ रहा है कि तो उसको नुकसान हुआ कितने परसेंट हुआ, ठीक है। अब उसने ₹32 तो हमारे को पता है कि कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, ₹32 है, कितने का, 2 दर्जन का, ठीक है। अब उसने 18 केले बेचे ₹12 दर्जन के हिसाब से, और एक दर्जन किसके इक्वल होता है, कितने केले होते हैं उसके अंदर थिंग्स 12, मतलब एक दर्जन में 12 केले हुए, 18 कितने हुए, तो 18 केले कितने के हो गए, 18 बनाना ₹18 के, ₹18 के, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है ना 18 का, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बनाना इज ₹18, बाकी के उसने जो है कितने ₹4 दर्जन के हिसाब से बेचे। अब 2 दर्जन में कितने होंगे, 24, ठीक है, 24 बनाना होंगे, मैं केले लिख रहा हूं यहां, ठीक है। अब 18 बेच दिए, 24 में से 18 के 6 बच गए, अब 6 केले जो उसने बेचे ₹4 दर्जन के हिसाब से, अब 12 केले होते हैं एक दर्जन में, तो ₹2 के 6 केले हो गए। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनाना इज इक्वल टू ₹2। अब टोटल जो उसने सेलिंग की, टोटल जो उसकी सेल हुई, टोटल सेल वो ₹20 हुई, ठीक है। ₹18 के उसने 18 केले बेच दिए, बाकी 6 केले उसने ₹2 के बेच दिए, क्योंकि उसने ₹4 रेट कर दिया था बाकी बचे हुए केलों के लिए, और लगे उसके कितने थे ₹32, बेचे उसने ₹20 के, तो नुकसान हुआ कितने का, लॉस हुआ ना, लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 32 और सेलिंग हमारा 20, 12 आ गया, ₹12 उसको नुकसान हुआ। लेकिन किसकी, उसने पूछा हमसे द परसेंट ऑफ लॉस, परसेंटेज में पूछा है, तो ₹12 में किसके ऊपर हुआ है लॉस, ₹32 के ऊपर, तो 12/32 इनटू में परसेंटेज में निकालना है, तो इनटू में 100 डिवाइड करते हैं इसे, 4×8=32 और 4×4=20, अब दोबारा देखो 4×2=8 कर देगा, 4×3=12, तो आपका आ गया 75/2, यानी कि 2×3=37.5% का उसे नुकसान हुआ, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोबारा देख लो, उसने 2 दर्जन केले खरीदे ₹32 के, 18 केले उसने ₹12 दर्जन के हिसाब से बेच दिए, मतलब कि एक केला ₹1 का हो गया, 12 केले अगर ₹12 के दे रहा तो एक केला ₹1 का हो गया, 18 ₹18 के हो गए, तो 18 केले तो उसने बेच दिए ₹18 में, बाकी उसने फिर रेट उसने कम कर दिया ₹4 दर्जन कर दिया केलों का। अब 6 केले बचे थे तो आधे दर्जन के पैसे कितने हो गए, ₹2, ठीक है, ₹2 आगे, तो टोटल सारे केले भी किए, 24 केले भी किए, क्योंकि उसने खरीदे 2 दर्जन थे ना केले, 2 दर्जन का रेट तो नहीं होगा ना, तो 24 केले बेच दिए उसने ₹20, खरीदे 32 केले, कोई महाराज ही होगा ऐसा, ठीक है ना, तो 32-20 ₹12 उसको नुकसान हो गया। अब वो ₹12 जो नुकसान हुआ किसके ऊपर हुआ, जो उसने शुरू में उसकी लागत थी कॉस्ट प्राइस ₹32 के ऊपर, यह हमेशा ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस रखना है, ये नहीं रखना जो आपका सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस आता है लॉस प्रॉफिट के लिए। तो 12/32 गुना में 100 परसेंटेज में निकालना है तो गुना में 100, तो यहां से आपका सॉल्यूशन करके 37.5% की उसे लॉस हुई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े ताकि हम उनकी डिमांड्स के हिसाब से टॉपिक तैयार करें और उसी हिसाब से उनकी प्रिपरेशन करवाएं ताकि एग्जाम उनकी अच्छे से क्लियर हो और उनके जो ड्रीम्स है फुलफिल हो। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स अ लॉट टू जॉइन अस, धन्यवाद।